गैज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर से नहीं मिला मौका। टीम इंडिया ने एक बार फिर से एकदम धो डाला। जी हां गैज, आपको बताएं कि इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ये लगातार तीसरी जीत है और इस धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुँच गई है। बताएं कि पाकिस्तान की टीम शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में सिर्फ 191 रन ही बना सकी और इसके जवाब में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 117 बॉल बचे रहते हुए 7 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। गाइस बताएं कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने 8वीं बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। एंड गाइस आपको बताएं कि 192 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 2 मैच मिस करने वाले शुभमन गिल अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ 16 रन ही बना सके और इसके बाद विराट कोहली भी 16 के निजी स्कोर पर पवेलियन को लौट गए। लेकिन दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने धुआंधार पारी खेली। बताएं कि इस मैच में रोहित शर्मा 63 बॉल पे 86 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर 62 बॉल पे 53 रन बनाकर आउट हुए और केएल राहुल 29 बॉल पे 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। एंड गाइस आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। इमामुल हक और अब्दुल्लाह शफीक के बीच पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी हुई। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 8वें ओवर में शफीक को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। बताएं कि अब्दुल्लाह 24 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा विकेट 13वें ओवर में गिरा। इमामुल हक 38 बॉल पे 36 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर आजम 58 बॉल पे 50 रन की पारी खेली। गाइज आपको बताएं कि बाबर के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट पर 155 रन था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने 36 रन के अंदर ही 8 विकेट गवा दिए। सऊद शकील सिर्फ 6 रन ही बना सके। इसके बाद इफ्तिखार चाचा भी 4 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और इस तरह से पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में सिर्फ 191 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 117 बॉल बचे रहते हुए 7 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। एंड गाइज आपको बताएं कि भारत के लिए बुम बुम बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और हमारे जड्डू भैया ने 2-2 विकेट लिए। तो गाइज अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइज आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।